लोकसभा में सांसदों की शपथ ग्रहण के दौरान मंगलवार को जब हैदराबाद के सांसद और नेता असदुद्दीन ओवैसी का नंबर आया तो सत्ता पक्ष की ओर से जय श्री राम और भारत माता के जयकारे लगने लगे और उनको एक बार को तो थोड़ा सा अजीब लगा ओवैसी को, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना रुख को नहीं पलटा और उन्होंने दोनों हाथों का अभिवादन करते हुए और लगाओ के नारे कहने लगे, जोर जोर से चिल्लाओ और लगाओ के नारे कहने लगे और उन्होंने थोड़ा सा पल रुक कर और फिर दोबारा अपनी स्पीच को कंटिन्यू करा, तब जाके लोग चुप हुए। ज्यादातर सांसदों ने नियमों के विरुद्ध शपथ लेने के बाद धार्मिक पहचान से जुड़े नारे लगाए। धार्मिक पहचान से जुड़े नारों की मुठभेड़ हुई। जबरदस्त टोका टोकी हंगामे के बीच जय श्री राम के नारे लगते रहे। एक सांसद ने तो संविधान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए वंदे मातरम को इस्लाम के खिलाफ बताया। प्रोटेम स्पीकरों को दर्जनों बार शपथ के अतिरिक्त कोई और बात रिकॉर्ड में ना डालने की बात दोहरानी पड़ी। लोकसभा में इतिहास का ये संभव पहला मौका होगा जब शपथ के बाद इतनी बड़ी संख्या में सांसद धार्मिक नारे लगाते दिखे। जब भी कोई सदस्य शपथ लेने आता था तो भाजपा के सदस्य जय श्री राम का नारा लगाने लगते। इसी बीच जब बारी असदुद्दीन ओवैसी की आई तो जय श्री राम वंदे मातरम का नारा तेज हो गया। इसके बाद ओवैसी ने शपथ लेने के बाद अल्लाह अकबर का नारा लगाया, फिर उनकी भाजपा सदस्यों ने नोक चौक शुरू हो गई और जय श्री राम का नारा तेज हो गया। इस पर ओवैसी बोले, अच्छा है मुझे देखकर आपको नारे याद आ रहे हैं। इसी दौरान जब बारी संभल के जब असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी शपथ ग्रहण कर ली तो उन्होंने जय भीम तकबीर अल्लाहु अकबर और जय हिंद का नारा लगाया। इसको सुन के सभी लोग छम पड़ गए और उनके मुंह से कोई बात नहीं फूटी और उन्होंने जाते जाते कहा कि अब लगाओ जय भीम के नारे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।